नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तो वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। ये दो अफराद कोकरनाग से आए हैं। आपने जैसा देखा कि हमने दिखाया कि ये जो शख्स है आपके सामने, इसकी आँखों से इतने आंसू निकल रहे हैं कि सीधे से लगता है कि बर्दाश्त से बाहर हो चुका है इनको। इनका ये जो बेटा है जिसे आप देख रहे हैं, ये मुश्ताक अहमद है इसका नाम। इस पिछले महीने की 20 तारीख से ये लापता हो चुका है। अभी हम पूरी तफसील इनसे सुनेंगे कि कहाँ गायब हो गया और क्या इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है या कोई ऐसी परेशानी तो नहीं थी जहन में जिससे हम कह सके कि ये कहीं गया भी होगा। तो फ़िलहाल हम आपको पूरी तफसील बताएंगे, इनसे सुनेंगे कि क्या कुछ वाक़ा पेश आया। तो क्या सुनाओ? मेरा नाम फयाज अहमद कोका। फयाज साहब, तुम क्या वाई थी? मे गई बैंथर। क्या दलील कौत कल गो गो यह गो वुत्र वहमे वो जुलाई आज गाड़ द्रोमुत यह वो लारन तज वु मे तो पे यह खोत नापस कह गो अथ सत गम तो पे आज गई अमिस तकरीबन बह तुवा दह अड़ अस त्रो पुलिस थान पे लारन रपोट तो तमो दुत फेस बुक तो तमो तरह पूछा मगर अमिस नान बिल्कुल यह अमिस नेब निशाना कुनी जाए अमिस रपोट नान या यह कतन क्या तो वह अत बरकस अमिस ए टी एम बारामूला कमी दह सा रोपि खारने तमो सर्च अत पे वे लड़के जो तुम गई ना पेंशन तुम ओर जनाब कहें तो बेमो अम कोर ये श्रीनगर लाल चौक ए टी एम बटम अमुक द्रा वे कर इंतही कोशिश आज वुव यह कोर अम खुद बिजतिया ना अलबत् वुच इस बारामूलह तुच लड़के कर पिक दिख मगर सून ओर कम कि गई जबरदस्त तशवीस मं आज क्या पता मोर कमिस म गो क्या बिदा ये ए टी एम कथ कौत यह टीचर अमिस अहन सर टीचर खानदर आज कर बच वर कर यह मे बो यह मे खानदार मे गई तमिस त्रे रत गुजरमतिस तो तुम्हें खेवान चवान अत तो पान तो पे गि बनान कर तो यहां पे खानदारे मे गुजरे अम दो शायद मे पुन अंदाज वन कि बो क्या दी मे वनत कर तोर तव ने निशन लिहाजा गोस बुई दह बंद लट अमिस निशन मे दुस यहां आज बदफुल आ खान पर्वा चुन तो वह गो वहमे अकवहमे मोन सकूल दकूल गो तो अस दस क्या गक ना सकूल बह गई मजूर वजूर दस ना क्या मजूर वजूर चे पंद शत रोप दस क्या गक मजूर चे बेशुमार रोप से लाजम पड़नस वड़नस दोपन नू मास्टर बे दो सकूल पत् ना चल पता क्या वाका अत ना क्या समझ परेशानी मसो परेशानी जहनी जनाब जहनी अमिस वन चाल रोज पारस पे गो तह डल नाजरीन आपने सुना कि ये जो इनका भाई है इनकी शादी हुई थी, इनकी अहलिया जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। इनका अपना अंदाज़ा है कि इसे एक उम्मीद थी उस भाभी पे कि वो पका के देती है और ये अब अकेला रह गया तो क्या करेगा, शायद अब मेरे लिए खुद के लिए तैयार करेगा या मेरे लिए तैयार करेगा, यही जहनी परेशानी लेके अब इनके घर भी नहीं आता था। ये भाई उसे पूछने गया कि आप आ जाओ फिर भी आ जाओ घर, लेकिन वो नहीं आया। तो जहनी तनाव भी पैदा होता है जब किसी से लगाव होता है। भाभी एक माँ की मानंद होती है, जब वो ना रही तो शायद इसका असर भी उनके दिमाग में पड़ा होगा। हमारी यहाँ के लोगों से खुसूसन जो इनके इलाके के हैं सभी जानते हैं। नाज़रीन शायद आपको लगता होगा कि ये जो सूरत है
इस लड़के की सूरत है इसके भाई से बिल्कुल मिलती है जो ये इनका भाई है। आप हूबहू ये शक्ल पाएंगे कि इसी जैसा है, बराबर इसी जैसा है। तो ये एक अफसोस की बात है, नहीं आप देख सकते हैं हमारे कैमरा में शायद आप इससे बाहर हो गया। भाई तो भाई है, खून का रिश्ता है, तो इसमें दो राह नहीं है कि खून के रिश्ते में जो है उबाल आता है और ये अपने आप पे काबू नहीं कर पाता है। हमारी पुलिस से भी गुजारिश है कि वो पूरी कोशिश करे। और इन्होंने जो कुछ ऐसी बातें बताई कि उसके एटीएम कार्ड से किसी ने पैसे निकाले हैं, ये भी एक सानिया है, अब देखना पड़ेगा। इन्हें अंदेशा है कि कहीं उसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हुई है। तो हमारी तमाम लोगों से अपील है कि वो देखें, अगर कहीं पे भी आपको पता चले या इनके कंसर्न पुलिस स्टेशन में इनसे रابطہ कायम करें, या हम फिर इनके नंबरात भी आपको दे देते हैं और वो नंबरात आपके स्क्रीन पे आएंगे, इनसे रابطہ कायम करें या पुलिस से रابطہ कायम करें। ये हम हाथ जोड़ के लोगों से इल्तिमास करते हैं कि जितना आपसे हो सके इनकी मदद करें। मैं हाय जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन की न्यूज़।